हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखो, हमारा लेसन जो है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, इसके हमने तीन वीडियो पहले देखे हैं। तो हमने उसमें स्टोरी पूरी सिंदबाद और उसके सेवन फैंटास्टिक वॉयजेस की पूरी स्टोरी जो है वो देखी है। हमारे जो लास्ट वाले दो पैराग्राफ्स हैं वो रह गए हैं, वो हम आज देखेंगे। तो हमेशा की तरह ही आपको आपके टेक्स्ट बुक इंग्लिश के का 8 पेज नंबर निकालना है और अपनी एक पेंसिल अपने साथ लेके बैठना है। ओके, ठीक है। तो फिर अब तक जो स्टोरी हो गई है उसके बाद क्या होता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद। देखो, जब कैप्टन अपना शिप लेके उस आइलैंड पे आया जहाँ पे सिंदबाद रहता था, आपको तो पता ही है कि सिंदबाद जो है वो वन नाइट पूरी समुंदर में या सी के वाटर में पूरी स्पेंड करके वो एक रियल आइलैंड पे पहुँचा था। और वहाँ का जो किंग था उसने पूरी सिंदबाद की जो स्टोरी सुनने के बाद उसको एज एन ऑफिसर वहाँ पे वर्क के लिए रखा था। ओके, तो उसके बाद आफ्टर सो मेनी डेज वहाँ पे बगदाद से एक शिप आया जो मर्चेंडाइज से पूरा लदा हुआ था। और उसके बाद सिंदबाद जब एज एन ऑफिसर वहाँ पे वर्क कर रहा था तो क्या हुआ, वहाँ पे उसने सम ऑफ द बॉक्सेस देखे जो क्या थे, उसके नाम पे नाम से लिखे हुए थे। तो उसको बहुत ही पूरी तरह डाउट हो गया कि ये जो मेरे नाम के बॉक्सेस मुझे इस शिप पे दिखाई दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली कहाँ से आया हुआ होगा कि बगदाद से ही आया हुआ होगा। जब उसने कैप्टन को मिलने के लिए जब वो गया तो कैप्टन को बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये सिंदबाद ही है। उसे ऐसा लगा कि ये सिंदबाद की तरह दिखने वाला एक दूसरा आदमी है। लेकिन जब सिंदबाद उसके साथ फेस टू फेस सिंदबाद ने उसके साथ बात की तब उसे ये रिकग्नाइज हो गया या फिर उसने सिंदबाद को पहचान लिया। तो उसी के बारे में इस पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद। कैप्टन को पहले बिलीव ही नहीं हुआ, बिलीव मीन्स उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि इट वॉज द सेम सिंदबाद। देन वॉट हैपन्ड दैट दे हैड सीन ड्रोनिंग इन द सी। सिंदबाद को सभी ने डूबते हुए देखा था और बगदाद वाले तो अब तक यही समझ रहे थे कि सिंदबाद जो है वो मर चुका है, बट इन द फैक्ट ऐसा नहीं था। जो पर्सन कैप्टन के साथ बात कर रहा था तो वो कौन था, वो सिंदबाद ही था। लेकिन ये सब कुछ कैप्टन के लिए एक शॉक के जैसा था, एक सरप्राइज़ के जैसा था, क्योंकि सभी बगदाद वाले जो है कैप्टन भी सिंदबाद को मरा हुआ ही समझ रहे थे। देन बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकग्नाइज हिम, ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। सी, रिकग्नाइज मीन्स पहचान लेना। सिंदबाद ने जब कैप्टन के साथ फेस टू फेस बात की तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इट वॉज सिंदबाद। ही वॉज हैप्पी टू सी सिंदबाद अलाइव। सिंदबाद जिंदा है ये जब उसके ध्यान में आया, जब कैप्टन के ध्यान में आया कि सिंदबाद क्या है, जिंदा है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया और बहुत ही हैप्पी हो गया, ओवरजॉय, वो बहुत ही हैप्पी हो गया। उसको इतना वो खुश हो गया कि उसको बहुत ही ज़्यादा खुद पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिंदबाद के साथ ही बात कर रहा है या सिंदबाद क्या है, जिंदा उसके सामने खड़ा है। देन ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। वो शिप पे जो भी मर्चेंडाइज था, तो कुछ जो मर्चेंडाइज था वो सिंदबाद का था, तो इसीलिए उसने पूरा जो मर्चेंडाइज है सिंदबाद का वो उसको वापस कर दिया। देन आफ्टर व्हाट हैपेंड फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक, सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स टू द किंग। जैसे ही कैप्टन ने मर्चेंडाइज सिंदबाद का उसको वापस कर दिया तो उसने बहुत सारे ऐसे मोस्ट वैल्यूएबल मीन्स बहुत ही महंगे महंगे जो आइटम्स हैं, वैल्यूएबल मीन्स बहुत ही
कॉस्टली, महंगे जो आइटम्स हैं वो किंग को क्या कर दिए, प्रेजेंट दे दिए। उसने सोचा कि किंग ने मुझे यहाँ पे काम भी दिया और मुझे रखा भी, तो इसीलिए उस मर्चेंडाइज में से या उस थिंग्स में से बहुत सारे ऐसे थिंग्स जो बहुत ही वैल्यूएबल थे वो सिंधबाद ने डिसाइड किया कि मैं किसको प्रेजेंट के तौर पे दूंगा, उस आइलैंड के किंग को मैं वो प्रेजेंट के तौर पे दूंगा। उसने डिसाइड कर लिया और वो मोस्ट वैल्यूएबल्स जो थिंग्स थे वो अलग से निकाल लिए और वो किंग के पास गया, उसको किंग के पास लेके गया। देन द किंग ऑफ द आइलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी, मीन्स सिंधबाद ने उस आइलैंड के किंग को क्या बोला, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मीन्स वॉट, यस महाराज। जैसे हम हिंदी में महाराज बोलते हैं उसी तरह इंग्लिश में वो क्या होता है, योर मैजेस्टी। सिंधबाद ने रिक्वेस्ट की प्लीज़ एक्सेप्ट दिस थिंग्स और दिस प्रेजेंट बाय मी योर मैजेस्टी, मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट जो है वो स्वीकार कीजिए, देन एक्सेप्ट कीजिए। देन यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनेरस। सिंधबाद जो है वो किंग को क्या बोल रहा है, यू आर वेरी काइंड एंड वेरी वेरी जेनेरस, आप बहुत ही दयालु हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए, आप बहुत ही अच्छे साबित हुए। देन द किंग वॉज प्लीज, किंग को भी बहुत खुशी हो गई। देन ही टू गेव सिंधबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स व्हेन सिंधबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट्स ऑफ शिप। जब सिंधबाद ने तय कर लिया कि मैं उस मर्चेंट के साथ या उस कैप्टन के साथ बगदाद लौटूंगा, तो ये सुन के किंग जो है उसने भी सिंधबाद को प्रेजेंट देने का या कुछ रिटर्न गिफ्ट देने का सोच लिया। तो सिंधबाद को भी किंग ने मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स जो है वो प्रेजेंट किए, और क्योंकि सिंधबाद के काम से किंग जो है वो बहुत ही खुश था, इसलिए उसको जब वो जब वापस गया तब सिंधबाद को किंग ने बहुत सारे क्या दिए, गिफ्ट्स दिए और उसे वहाँ से विदा किया। देन इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू सिंधबाद आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ हिज फैंटास्टिक वोएजेस। अब देखो लास्ट वाला ये पैराग्राफ है, लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या किया गया, क्या दिया गया है, इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर आपको सिंधबाद के बारे में या सिंधबाद के स्टोरीज के बारे में अगर और जानकारी लेनी है या और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, देन व्हाट हैपन टू सिंधबाद, की सिंधबाद के साथ अगले वॉयजेस में या उसके अगले जल प्रवास में क्या क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयजेस। एक जो उसके 7 फैंटास्टिक वॉयजेस की क्या है, एक पूरी बुक है, तो वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है, और उसमें से सिंधबाद के साथ और क्या क्या हुआ, उसके जो वॉयजेस हैं वो कैसे फैंटास्टिक है, उसके बारे में द अरेबियन नाइट बुक्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसा था हमारा लेसन, आपको पूरे यहाँ पे जो योर मैजेस्टी, यहाँ पे जो पूरे हार्डवर्ड्स हैं उसको भी अंडरलाइन करना है और अपने बुक में लिख लेने हैं, वैल्यूएबल दीज आर ऑल, और बाद में हम देखेंगे इस लेसन के हार्डवर्ड्स और उसके वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्ड मीनिंग। सी, फर्स्ट वर्ड इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मीन्स व्हाट, वेरी गुड, अनबिलीवेबल, विश्वास ना करने लायक। देन वोएजेस, वोएजेस मीन्स अ लॉन्ग जर्नी बाय द सी। देन जेनेरस मीन्स लार्जर देन यूजुअल। देन स्प्रैंज मीन्स डेवलप। देन ब्लेज मीन्स बर्न स्ट्रांगली। आफ्टर दैट सी मॉन्स्टर मीन्स वॉट, अ लार्ज सी एनिमल। नेक्स्ट वन इज एट द मर्सी मीन्स टू बी अनेबल टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग। देन अफ्लोट मीन्स वॉट, फ्लोटिंग। देन ग्रूम मीन्स वॉट, अ पर्सन
हु लुक आफ्टर हॉर्सेस, जो हॉर्सेस की देखभाल करता है वो। देन मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स व्हाट, गुड्स और थिंग्स फॉर सेल। देन नेक्स्ट इज ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्हाट, गिव इन रिटर्न फॉर समथिंग। देन स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल्ड मीन्स वॉक हियर एंड देयर। देन नेक्स्ट इज क्वे, क्वे मीन्स व्हाट, अ प्लेटफॉर्म इन अ पोर्ट और हार्बर वेयर बोट्स कम लोड और अनलोडेड, मीन्स ऐसा ठिकान जहाँ पे शिप या बोट जो है वो लोड और अनलोड देयर लगेज, मीन्स उसमें जो सामान होता है वो लोडेड या फिर अनलोडेड करना, मीन्स क्वे। देन कार्गो, कार्गो मीन्स लोड ऑफ गुड्स और थिंग्स कैरिड इन अ शिप, मीन्स कार्गो। तो ये सारे रहे वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग्स, तो ये सारे आप बुक में लिख लीजिए और ये जो लेसन है वो पूरा दो तीन बार पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।